कप 2021 के बाद न्यूजीलैंड के भारत दौरे की बारी और बीसीसीआई ने रिवील कर दी है इन 500 मैचों की सीरीज की पूरी जानकारी। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आयोजन होने के लिए जा रहा है। बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर फाइनली इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया, और साथ ही साथ यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स में भी हमें इस सीरीज में काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे। काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों को आराम पर रखा जाएगा, वही काफी सारे यंगस्टर्स को यहां पर टीम में मौका मिल सकता है। और इस वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन वन बाय वन पूरी तरह से देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ आपको एमपीएल पर पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका भी बताने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में। तो 5 मैचों की सीरीज होने वाली है, जिस दौरान 3 T20 और 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं। सबसे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज होगी, जिस T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला हमें 17 नवंबर को जयपुर के मैदान पर देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 19 नवंबर को रांची के मैदान पर होने वाला है। उसके बाद तीसरा व अंतिम T20 मुकाबला 21 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा। टाइमिंग की हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार ये तीनों T20 मुकाबले शाम के 7 बजे से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद यहां पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच हमें 25 नवंबर से कानपुर में देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच हमें 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग के बारे में हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार दोनों टेस्ट मुकाबले सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले हैं। स्क्वाड्स के अपडेट की बात करते तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सीरीज के दौरान भारतीय टीम के स्क्वाड्स में हमें काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय टीम यहां पर पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं फाइनल स्क्वाड्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमपीएल के बारे में, क्योंकि एमपीएल पर आप T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान इंडिया के हर मैच वाले दिन जीत सकते हैं 2 करोड़ रुपए, और भाई यहां पर मात्र 35 रुपए डिपॉजिट करने पर आपको 1000 रुपए तक का कैशबैक मिलने वाला है। आप यहां पर फ्री में खेलकर भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। आईपीएल 2021 के दौरान मैंने हर मैच के लिए यहां पर 20-25 टीम बनाई, लाखों रुपए यहां से जीते, और T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल सेम कर रहा हूं। आज के महामुकाबले के लिए भी मैंने 20 टीमें बनाई है, जिसमें से 20वीं टीम आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो इंतजार किस चीज का भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं स्क्वाड्स अपडेट की, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो यहां पर हमें रोहित शर्मा इस T20 सीरीज में भारत की कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन यहां पर ऑफिशियली सुना दिया है। ऐसे में यहां पर रोहित शर्मा उनकी कैप्टनसी को टेक ओवर करने वाले हैं। उसके अलावा भाई काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों को यहां पर इस सीरीज में आराम दिया जाएगा, जहां पर आपके विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। इन खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले काफी लंबे टाइम से वो लगातार भारत के लिए खेल रहे हैं। वही दूसरी तरफ यहां पर वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान जैसे यंगस्टर्स को इस सीरीज में खेलने का मौका मिल सकता है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में भी ये सभी खिलाड़ी लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वही यहां पर पृथ्वी शाह, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, इन सभी खिलाड़ियों का टीम में एक बार फिर से कमबैक होने के लिए जा रहा है। युजवेंद्र चहल भी हमें यहां पर स्क्वाड्स में देखने को मिलेंगे, और आउट फॉर्म के चलते यहां पर भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। आप सभी को पता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप में भी वो पूरी तरह से टोटली फ्लॉप साबित हुए हैं। हालांकि अभी तक यहां पर स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर स्क्वाड्स की फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और जैसे यहां पर अनाउंसमेंट हो जाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपके मुताबिक किन किन खिलाड़ियों को यहां पर इस सीरीज में मौका मिलना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट एमपीएल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।